नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पंजाब की एक छोटी सी रेलवे परियोजना जिसकी लंबाई महज 25 किलोमीटर के आसपास है, फिरोजपुर पट्टी रेल लिंक परियोजना की मांग काफ़ी लंबे समय से की जा रही है। जालंधर फिरोजपुर खंड पर मल्लांवाला खास और तरन तारण खेमकरण साहिब सेक्शन पर स्थित घरियाला से जोड़ने हेतु काफ़ी पुराना जो प्रस्ताव था, जो कि 2013 में रेलवे मंत्रालय के द्वारा बजट में शामिल किया गया था। इस महत्वपूर्ण रेलमार्गों को बनाने हेतु केंद्र सरकार के द्वारा राज्य शासन से मुफ्त जमीन की मांग की थी, जिस पर यह मामला लंबे समय तक अटका रहा था। उस पर पिछले साल पंजाब सरकार के द्वारा जमीन अधिग्रहण हेतु प्रारंभिक विज्ञप्ति राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा इस वर्ष फिर से उनके द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था मार्च महीने में, जो कि तरन तारण जिले के 8 गांवों कोटबुद्धा मान के जन मान तलवंडी मस्तत सिंह सफा सिंहवाला काले के उत्तर तलवंडी शोभा सिंह और बंगला राय में अधिग्रहण किया जाना है। वहीं फिरोजपुर जिले में मल्लांवाला खास तहसील जीरा का भी अधिग्रहण 60 हेक्टेयर जमीन का किया जाना है। तरन तारण जिले में करीब 95 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। कुल मिलाकर 156 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, जिस पर अधिसूचना के बाद भूमि के मालिकों को संबंधित जिला कलेक्टर के पास में अपने हितों और पुनर्वास के दावे के साथ में उपस्थित होना था। यदि कोई आपत्ति हो वह भी उन्हें देनी थी। इस छोटी सी रेल लाइन के बनने से फिरोजपुर से अमृतसर की दूरी तो कम होगी ही, साथ ही जम्मू तवी से मुंबई की दूरी में भी करीब 260 किलोमीटर के आसपास फर्क आ जाएगा। इस रेलवे लाइन के लिए जो भूमि अधिग्रहण किया जाना है उस पर थोड़ी सी अभी दिक्कतें पंजाब सरकार को उठानी पड़ रही है, क्योंकि जो संबंधित गांव है वहां के किसानों के द्वारा अधिक मुआवजे की मांग की जा रही है। संबंधित गांव के किसानों का कहना है कि सरकार हमारी ज़मीन को औने पौने दामों पर अधिग्रहित करना चाहती है। हमारी ज़मीन पर रेल की पटरी बिछाने से ना सिर्फ हमारी रोजी रोटी प्रभावित होगी बल्कि आसपास की ज़मीन पर खेती करना मुश्किल होगा। यहां पर बाढ़ का खतरा भी बहुत बड़ा है, क्योंकि गांव सतलुज के तट पर स्थित है। रेल पटरी के लिए जमीन अधिग्रहण से रोजी रोटी प्रभावित हो जाएगी, इसलिए परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाना चाहिए। कुछ इस तरह की मांग संबंधित अधिग्रहण अधिकारियों से संबंधित गांवों के किसानों के द्वारा की गई है तथा उनके द्वारा कहा गया है सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो आंदोलन शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। वहीं अधिकारियों का कहना है कि पिछले 3 वर्ष के आसपास बेची खरीदी गई इस क्षेत्र के 1 एकड़ जमीन की कीमत के हिसाब से दर तय की जाएगी, इस हिसाब से ही मुआवजा दिया जा रहा है। यदि कोई दिक्कत है तो उसे सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरह से फिर से एक बार और इस रेलवे लाइन के मामले को उलझता हुआ हम देख रहे हैं। इस रेल लाइन के इतिहास के बारे में बात करें कि 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन से पहले फिरोजपुर रेल लाइन रायविंड कसूर से जुड़ी हुई थी, जो आगे एक तरफ कसूर लाहौर और दूसरी तरफ कसूर खेमकरण को जोड़ती है। विभाजन के बाद कसूर के पाकिस्तान के हिस्से में चले जाने के बाद इस रेल लिंक को समाप्त कर दिया गया था। अब आने वाले समय में यदि सहमति बन जाती है और इस रेलवे ट्रैक के निर्माण से जो मालवा और मांझा क्षेत्र दोनों एक दूसरे से करीब आ जाएंगे, राज्य और केंद्र सरकार की बदलाव और जो नियमों की परिवर्तन है इनके कारण से इस प्रोजेक्ट में अच्छी खासी देरी हो गई है। केंद्र सरकार के द्वारा पंजाब सरकार को पूरी जमीन जो इस परियोजना के लिए उपयोग में आना है वह निःशुल्क उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। काफ़ी देरी के बाद पंजाब सरकार के द्वारा इस बारे में रजामंदी दिखाई गई और सतलुज और ब्यास नदियों पर 2 पुलों का निर्माण भी इस पर किया जाना है, जिससे भी इस कार्य में आने वाले समय में थोड़ी देरी और होगी और जो वर्तमान में भूमि अधिग्रहण संबंधी विवाद है उसके सुलझने के बाद ही इस रेल लाइन के बनने हेतु राह प्रशस्त होगी। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।